हाँ तो नमस्ते फ्रेंड्स, मैं वापी फ्रेंड्स और फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर फ्रेंड्स आप लोग का वेलकम है। आज फ्रेंड्स आपको हम बताएंगे कि जो नए हमारे दोस्त हैं, नए दोस्तों को गार्डन मतलब क्या है गुलाब उगाने में बहुत सारी परेशानी आ रहा है, तो इस परेशानी से आज हम आपको बिल्कुल मुक्त कराएंगे और बिल्कुल जो बेगिनार है उसके लिए भी बहुत अच्छा मतलब वीडियो होने वाले हैं। प्लीज़ हमारे वीडियो पर बने रहें और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारे गुलाब होता है कि गुलाब को हम लोग क्या करते हैं, गुलाब को लाने के बाद शिफ्ट करते हैं, शिफ्ट करने के बाद हम डायरेक्ट क्या करते हैं सनलाइट पे रखते हैं और पानी देते हैं, उसके साथ बहुत सारे फर्टिलाइज भी देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे क्या होता है प्लांट ग्रो नहीं करता है। तो किस वजह से प्लांट ग्रो नहीं करता है आज वहीं आपको बताएंगे कि किस तरीके से हमें केयर करना चाहिए, कैसे हमें गुलाब को शिफ्ट करना चाहिए, कहाँ पर रखना चाहिए, किस जगह पर हम रखेंगे कि ताकि हमें अच्छे से फ्लावर आएंगे। तो पूरे आज इस वीडियो पर हम आपको कवर करना चाहते हैं। तो सबसे पहले जब भी फ्रेंड्स आप लोग गुलाब खरीदें तो गुलाब खरीदें तो एक अच्छे दो से तीन ब्रांच हो ऐसे हमें गुलाब लाना है। और गुलाब लाने के बाद हमें सबसे पहले क्या करना है, कम से कम उसको जो हम नर्सरी से लाते हैं, नर्सरी से लाने के बाद कम से कम हफ्तों भर तो कम से कम हम गुलाब को हम ऐसे ही मतलब जहाँ पर हमारे एटमोसफेयर में हम रहने देंगे और उसको खाली हम क्या करेंगे, एक बार लाने के बाद हम थोड़ा सा फंगीसाइड स्प्रे करके छोड़ देंगे। उसके बाद आपको जैसे ही मतलब है पानी देना है बस आपको और कुछ नहीं करना है। हफ्ते भर तक बिल्कुल आपको उसको बिल्कुल वहीं पे जहाँ पे रखें आप जहाँ पे रखना चाहते हैं वहीं पे आप रखिए और छोड़ दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सॉयल जो आपने बनाया है तो सॉयल को अच्छे तरीके से सॉयल को मतलब आपने बना के रख लिए होंगे या आपको सॉयल का कुछ अरेंज किए होंगे तो अच्छा उसको रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले वो देखेंगे हम क्या पॉट कौन सा ले रहे हैं, आपके गुलाब की मेजोरिटी के अनुसार हम उसका पॉट लेंगे। जैसे हम गुलाब का हमारे छोटा प्लांट लगा रहे हैं तो उसको हम बिल्कुल हम क्या क्या करेंगे 5 से 6 इंच का पॉट लेंगे, उससे ज़्यादा बिल्कुल हमें नहीं लेना है। हम लोग सबसे पहले गलती फ्रेंड्स यहीं पे करते हैं कि लाते हैं और लाने के बाद हम सबसे पहले क्या कर देते हैं कि बड़े पॉट में शिफ्ट कर देते हैं, प्लांट को ग्रोथ नहीं मिल पाता है, प्लांट को ज़्यादा पानी हो जाता है, प्लांट को ज़्यादा फर्टिलाइज हो जाता है, जो उसको सहने की क्षमता रहता ही नहीं है। इस वजह से हमारा प्लांट क्या है बहुत सारे प्लांट हमारे ख़राब हो जाते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, पॉट की चुनाव करना है कौन सी पॉट में हम ले रहे हैं। तो सबसे पहले पॉट हम यूज करेंगे 5 से 6 इंच, उससे ज़्यादा हम पॉट का बिल्कुल नहीं लेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट सीजन में जब हम इसका रिपोर्टिंग करेंगे तब हम थोड़ा सा 1-2 इंच बढ़ा लेंगे अगर हमारा रूट की ज़्यादा मतलब बाउंड हो चुका है तब, नहीं तो उसको उस साल भी हम उसी वहीं पर रहने देंगे। तो क्या करना है, तो 5 पॉट की चुनाव तो आपने कर लिए, उसके बाद हमें करना है सॉयल कैसे तैयार करेंगे। तो सॉयल सबसे पहले तैयार करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, जैसे आपने अपने गार्डन सॉयल जितना लिए हैं उतना आपको गार्डन सॉयल लेना है। आपको जैसे मतलब 3 भागों का अगर आपको सॉयल बनाना है तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा रेत लेना है, 1 भाग रेत लेना है, 1 भाग कंपोस्ट लेना है और 1 भाग आपको लेना है गार्डन सॉयल लेना है। उसके साथ हमें क्या क्या अभी मिक्स करना देख लीजिए, तो इसी फर्टिलाइज में आपको क्या है काम करना, काम हो जाएगा आपका साल भर तक चलेगा बिल्कुल, आपको कुछ नहीं करना है। आपको लेना है सरसों की मस्टर्ड के फर्टिलाइजर जो का पाउडर होता है उसको 50 ग्राम लेना है, उसके साथ मिक्स करना है। वो उसको मिक्स करके आपको सॉयल में खाली और प्लांटिंग कर दीजिए, जैसे जिस टॉप में हम लगा रहे हैं जैसे 5 इंच की पॉट में लगाएं उसको प्लांटिंग करके छोड़ दीजिए। उसको हफ्ते भर तक बिल्कुल आप क्या करना है कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आपको पानी जब आपका देखेगी आपका टॉप सॉयल सूख रहा है तब जाके आपको पानी देना है और सावरिंग करना है। ऐसे आपको पानी नहीं देना है जब तक उसका हमारे क्या है प्लांट की थोड़ा सा रूट ग्रोथ ना हो जाता है, तब तक हम प्लांट को हफ्ते भर के लिए शेडी एरिया में रख देंगे क्योंकि उसको रिप्लांटिंग किया है और प्लांट शॉक में चला गया है। तो उसको हम क्या करेंगे हफ्ते भर तक हम बिल्कुल उसको शेडी एरिया में छोड़ देंगे। उसके बाद जैसे ही हमारा हफ्ते भर हो जाएगा प्लांट में कुछ कुछ ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा तो उसको आपको क्या करना है सनलाइट में लेके जाना, फुल सनलाइट में रखना है प्लांट को, कहीं और कुछ नहीं करना है। सनलाइट के रखने के बाद आपको क्या है प्रोसीजर हो जाता है थोड़ा बहुत क्या करना है उसको, जैसे जिसका आपका प्लांट आपका ग्रोथ होगा उसमें कोई फर्टिलाइज हमें अभी नहीं देना है, कम से कम 15 से 20 दिन तक आपको कोई फर्टिलाइज यूज नहीं करना है क्योंकि आपका प्लांट में हमने पहले से आपको बिल्कुल आपको कंपोस्ट भी मिल चुका है, उसमें सरसों की जो आपका पाउडर है सरसों की खली की पाउडर है वो भी हमने मिक्स कर चुके हैं तो उसमें अभी फर्टिलाइजर का रिक्वायरमेंट अभी तक नहीं होगा। हाँ हम कब दे सकते हैं 15 से 20 दिन के बाद, हम जब हम पूरे हमारे जो पुराने प्लांट है पुराने पौधे को जैसे हमने पानी देते हैं तो पानी के साथ हमें क्या करना है बिल्कुल लिक्विड देना है और ना कोई केमिकल फर्टिलाइजर अभी कुछ भी नहीं देंगे हम इसमें लिक्विड फर्टिलाइजर का यूज करेंगे। कौन सा लिक्विड फर्टिलाइजर वो भी बता रहे हैं आपको, मस्टर्ड केक का जो लिक्विड फर्टिलाइजर होता है फ्रेंड्स उसमें हम क्या करेंगे बिल्कुल हमें
जो दो से चार, मतलब जैसे हमने एक पॉट के लिए बना रहे थे, जो चार जैसे अगर 6 इंच का पॉट है तो 6 इंच में पॉट में मतलब कुछ 6 को ग्रेन्यूल्स हमें यूज करना है, और उसमें हमें मस्टर्ड के फर्टिलाइजर को हमें बनाना है अच्छे तरीके से। और उसको ऐसे बनाना है कि जैसे हमने 100 ग्राम हमने अगर 1 लीटर पानी में जैसे मिक्स किए हैं या 5 लीटर पानी में मिक्स किए हैं, उसमें हमें कम से कम 10 गुना हमें 10:10 रेशियो में हमें उसको लेके जाना है, बिल्कुल लिक्विड में हमें बिल्कुल सभी प्लांट को हमें बिल्कुल फर्टिलाइज करना है। उसके बाद आपको देखिए कि नेचुरल आपको ग्रोथ दिखने को मिलेगा। नेचुरल आपको क्या है, पानी का बिल्कुल जल ठहराव नहीं होना चाहिए, पानी का बिल्कुल आपको ड्रेनेज सिस्टम पर ध्यान देना चाहिए सबसे पहले, कि आप ड्रेनेज के सिस्टम कैसा रखे हैं। पानी डाल रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि हम अरे आधे घंटे लग जा रहे हैं पानी सूखने में खाली पॉट में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पानी अपने डाले, पानी बाहर निकलना चाहिए पॉट के अंदर से। अगर पॉट से बाहर पानी नहीं निकल रहा तो यानी आपका ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है, प्लांट आपका ज़्यादा दिन तक नहीं टिकने वाला है, उसमें आपका रूट रॉट हो सकता है, प्लांट आपका डैमेज हो सकता है। इसलिए आप लोग को बोल रहे कि सबसे पहले हमें सॉयल पे ध्यान देना है, और उसके बाद पॉट की चुनाव करना है, जिस हिसाब से हमारे मतलब प्लांटर की प्लांट की मेच्योरिटी है उस हिसाब से हमें पॉट पे हमें सबसे पहले लगाना होता है। हम लोग ग्रो करते हैं कि क्या है, तो छोटा प्लांट लाते हैं और बड़े पॉट में शामिल कर देते हैं, बड़े पॉट में उनको शिफ्ट कर देते हैं, तो उसमें हमें सबसे ज़्यादा उसमें क्या हो जाता है कि अपने पानी का भी आपका मतलब उसमें क्या है, ज़्यादा पानी उसकी ज़रूरत नहीं और उसको ज़्यादा पानी मिलता है, ज़्यादा फर्टिलाइजर की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा फर्टिलाइज मिलता है, प्लांट आपका रूट बाउंड हो ही नहीं पाता। प्लांट में रूट बाउंड होना जरूरी है, प्लांट में जब तक आपका रूट बाउंड नहीं होता है तब तक आपका बेसल देखने को नहीं मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा रूट बनेगा तभी आपको बेसल मतलब आपको नजर आएगा, नहीं तो बेसल आपको नहीं मिलेगा। रूट जितना रूट उतना आपका ग्रोथ, आप देख सकते हैं मेरे प्लांटों की ग्रोथ देख सकते हैं कितने अच्छे से ग्रोथ चल रहा है। अभी हर पौधे का आपको ग्रोथ दिखा रहे हैं, और सभी पौधों का स्टेम तो आपको ग्रोथ होना ही चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि नहीं है, अगर इस टाइम आपको ग्रोथ नहीं मिल रहा, इस टाइम आपको फूल नहीं मिल पा रहा, तो यानी प्लांट आपका अच्छे से आपको शिफ्ट नहीं कर पाए। आप लोग प्लांट को अच्छे से शिफ्ट करना सीखिए, उसके बाद आपका क्या है आपको फूल लेने का मतलब समझना पड़ेगा कि फूल आगे कैसे लेंगे। पहले प्लांट शिफ्ट कीजिए, प्लांट को शिफ्ट करने के बाद प्लांट की आपको ग्रोथ देखिए कि प्लांट का मेरा ग्रोथ सही आ रहा है। प्लांट का अगर आपका ग्रोथ फ्रेंड सही आ रहा है तो आप आगे जाके आपको फ्लावर मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर आपका प्लांट का ग्रोथ ही सही नहीं है तो आपको फ्लावर कहाँ से लीजिएगा। फ्लावर जितना मतलब आपका प्लांट का ग्रोथ नहीं है और आपको अगर फ्लावर लेना चाहते हैं तो उसमें तब को तो मतलब क्या हो जाता है उसमें आपको क्या, जैसे मतलब किसी मतलब आपने किसी बच्चे को अगर अपना आपको 200 आपके किसी 50 किलो का वेट दे दीजिएगा तो उठा पाएगा नहीं उठा पाएगा, इसलिए उसको बच्चे की तरह जैसे हमारा छोटा प्लांट है तो उसको हमें छोटे पौधे के जैसे ही ट्रीट करना है, ना कि हमें बड़े प्लांट की जैसे ट्रीट करना है। इसलिए ऐसी प्लांट आपको अच्छे तरीके से ग्रो कीजिए, आप लोग का भी प्लांट अच्छे से ग्रो होगा। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।